अलकुम लूस्टॉक के साथ अनुमसूद आपकी खिदमत में पाकिस्तान में आजकल मुशायरों का मौसम है मगर मौसम कुछ ठीक नहीं है इस वजह से सारे मुशायरे मनसूख हो गए हैं इंग्लिस्तान अमरीका मिडल ईस्ट के शायर भी यहाँ मौजूद हैं और भारत से भी कुछ शायर आए हुए हैं हमारी खुशनसीबी कि भारत से आए हुए शायर आज हमारे मेहमान हैं तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं आप भारत से मुशायरे के सिलसिले में कराची तशरीफ़ लाए हैं असलकुम वाईकुम भारत बहुत याद आ रहा है जाहिर है आपका वतन है नहीं ये बात नहीं है बात कुछ और है भारत बहुत याद आ रहा है मैंने अभी आपसे कहा ना बा वो आपका वतन है इस वजह से याद आ रहा है नहीं मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि यह वजह नहीं है कोई और वजह है लेकिन भारत मुझे बहुत याद आ रहा है घर वाले याद आ रहे हूँ घर वाले नहीं याद आ रहे घर वाले तो यही हैं तो पहली चौरंगी पे भारत बहुत याद आ रहा है तो आपके सारे घर वाले यहाँ हैं जी हाँ तो आप भारत में अकेले हैं जी बिल्कुल क्यों बस ये एक लंबी स्टोरी है लंबी स्टोरी है याद है साहब कैसी बात ए से कर रहे हैं लेकर बड़ी ये तक याद है ए से लेकर बड़ी तक नहीं से लेकर बड़ी ये तक देखिए रेट ऑफ लिटरेसी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है अंग्रेजी मुझे भी आती है लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ए से लेकर बड़ी ये तक सब आता है ए से लेके जेड तक तो कह कैसे ओहो माफ कीजिएगा बस बाखुदा बिल्कुल ख्याल नहीं रहा मकसूद साहब के ए बी सी डी जो है उसका इख्त जेड पर होता है बहुत खूब बहुत खूब भाई वाह ए से लेके जेड तक मैं जेड असल में भूल गया था सुनाई सुनाए सुना लंबी स्टोरी है जी जी शायद भाई हुआ ये कि पाकिस्तान बन गया वहाँ से नकुल मकानी हो रही थी पाकिस्तान के लिए लोग आ रहे थे पाकिस्तान के लिए हमारे घर वालों ने भी प्लान बनाया कि हम पाकिस्तान कूच करेंगे कितने घर वाले आप बारह भाई बहन हैं हम बारह भाई बारह बारह एक दर्जन गोया अब अम्मा अब्बा और हमारे बारह भाई बहन कूच के लिए सामान बांध लिया आय वक्त जब हमारी रवानगी थी उसी वक्त मुझे जाना पड़ गया पाखाने टॉयलेट उर्दू में गुफ्तु हो रही है गुफ्तु का दायरा उर्दू में रखी है पा का मतलब है पैर खाने का मतलब है वो जगह जहाँ आप पैर धरते हैं तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है जी जी बिल्कुल वहां जाना पड़ा अब आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं ये तो आपके उनमें होगा कि वो एक ऐसी जगह है वो कि जहाँ जब आप जाते हैं तो ज़रूरत भर बैठते हैं आप जी जी किस्मत की ख़ूबी थी या किस्मत का लिखा था कि उस रोज़ यानी जिस रोज़ पाकिस्तान रवानगी थी उस रोज़ मुझे काफ़ी देर ज़रूरत ने रोके रखा इस दौरान घर वाले जो हैं वो कूच कर गए तो आपको छोड़ गए जी हाँ वो मुझे भारत में छोड़ गए पाकिस्तान रुख्सत हो गए तो गिना नहीं घर वालों ने गिना प्रकाश ठाकुर हमारे पड़ोसी थे वो बता रहे थे कि उनको अच्छी तरह से याद है कि जब मेरी वालदा गिन रही थी घर के नफूस को तो बड़े भाई महमूद को शायद वो दो दफा गिन गई तो आप भारत में रह गए जी मैं भारत में रह गया इसी पाखाने की वजह से जी वरना मैं पाकिस्तान में होता और अगर पाकिस्तान में होता तो एक बड़ा शायर होता ने कहा था मौत का एक दिन बिल्कुल सही, सही आपने कहा वही वक्त था गालिब भी क्या बड़े शायर थे कहते हैं यही वाली बात आपकी आगे बढ़ाता हूँ कि मौत का एक दिन मुन है लेकिन ये जिस चीज़ का मैंने जिक्र करा इसका कोई वक्त मुन नहीं है ये किसी वक्त भी आ सकता बैठे हुए लेते हुए चलते हुए परेशानी में खुशी में हर हाँ जगह आ सकता है जी तो आप इसी की वजह से इंडियन नेशनल बिल्कुल। को अगर ये नहीं आता तो आप तो मैं पाकिस्तान का एक नामवर शायर होता बहुत से लफ्ज़ उर्दू में अब ख़त्म हो चुके हैं आप कह देते कि टॉयलेट जाना है या वॉशरूम जाना है बड़ी अहमकों वाली गुफ्तु है ये कि अब आप अपनी ईमानदारी से ये फरमाइए कि किस कदर बुरा लगूंगा अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे टॉयलेट आ रहा है या मुझे वॉशरूम आ रहा है आप शायर हैं जी हाँ मैं शायर किस कस्म की शायरी करते हैं आप? मैं ऐसी शायरी करता हूँ जिससे लोग बिलबिला बिला जाए खुश हो जाएं लोग दीवाना कर देता हूं मैं ऐसी शायरी करता हूं माफ़ कीजिएगा दी उर्दू का इस वक्त क्या हाल है उर्दू का जी भारत में जी भारत में उर्दू का वही हाल है जो आपके मुल्क में अंग्रेजी का हाल है आप किसी को नहीं सब बोले चले जा रहे हैं अब देखिए अनवर मियाम पावा मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हिंदुस्तान में जो उर्दू जिंदा है वो मेरी वजह से अच्छा और मैं जो जिंदा हूं वो इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा की वजह से क्या मतलब वजाहत तलब बात है इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा जो है उनको उर्दू शायरी का बड़ा शौक है वो मुझसे लेते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं और ये कहते जाते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे जब तक आप मेरा दीवान मुकम्मल ना करवा दें कुछ सुनाएंगे आप किसको आप नाम बता दीजिए ऐसी ऐसी सुनाऊंगा कि ज़िंदगी में याद रखेंगे कि किसी ने क्या सुनाया था असल में मुग़लों से जो है हमने यही एक चीज़ हासिल की है सीखी है बदतमीज़ी तमीज़ी मुग़ल आप समझे नहीं बात को मेरा मतलब था कुछ शायरी सुनाई शायरी शायरी तो कही है कि शायरी सुनाए अब देखिए बात हो रही थी गोपाल वर्मा की गोपाल वर्मा एक दिन मुझसे कहने लगे कि गैया पे कह दीजिए गैया पे 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 गाय अच्छा नजम कह दीजिए अच्छा, कह मैंने कहा भाई भाई गाय आपके लिए जो है वो बहुत मोतबर है शायद हमारे लिए वो नहीं हो जो आपके लिए है आपको गाय में शबाब नजर आता है हमें गाय में कबाब नजर आता है कहने लगे आई डोंट नो कहने लगे कि आपको गैया पे नज़म कहनी है साहब दिल्ली के मशारे में मैंने गैया पे नज़म कही और सुनाई नहीं तो गैया को क्या समझ के आप नज़म भाई पे पे मैं बता रहा हूँ आपको पहले पूरी बात सुन लीजिए गैया पे मैंने दिल्ली में नज़म सुनाई यानी मीर तकी मीर और गादिब को इतनी दाद नहीं मिली होगी इस नज़म पे जिस नज़म पे मुझे दाद मिली अब आप ये पूछिए कि मैंने क्या सोच के गैया पे नज़ कही क्या के जब आपने? गोपाल वर्मा ने कहा मुझे नज्म कहने के लिए तो मैंने कहा भाई देखिए सूरत हाल गैया की मैंने आपको बता दी है कि आपके लिए क्या है हमारे लिए क्या है तो मैंने ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि फिर मैं गैया को अपनी बहन बना लेता हूँ मुसलमान बहन तो बना सकते देखे तो ना आप मुसलमान तो किसी को भी बहन बना सकता है तो मैंने कहा आज से गैया मेरी बहन है अब बहन तो एक ऐसी शख्सियत है कि उसकी हर बात पे आप शेयर कर सकते हैं मोहब्बत में अकीदत में मैंने फिर गैया को बहन बनाया और मैंने नजम कही दिल्ली में मुशायरा उलट दिया सफ़े के सफ़े उलट गई सुनाइए बहुत शुक्रिया बहुत तवील है इसलिए मैं अपना दीवान ले आया हूं सुनिए क्या नाम है नज्म का उनवान है बाजी गैया बाजी गैया किस कदर गैया सुनिए नैनो में काजल के डोरे नैनो में काजल के डोरे दांतों में तिनके को दबाए आ, ऐसे नहीं करती दांत में जो तिनका होता है नैनो में काजल के डोरे दांतों में तिनके को ये में आवाज निकाली थी करके। साहब इसीलिए तो हिट होता है अच्छा, जी जी, दबाए पीछे के पाओ में उपटन आगे के पाओ में कंगन पीछे के पाओ में उपटन आगे के पाओ में कंगन छन 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 गांव में आई बाजी गैया गांव में आई बाजी गैया आगे अर्ज किया है आधी भूरी आधी काली देखिए आधी भूरी आधी काली पूरी की पूरी मतवाली कुछ घबराई कुछ बलखाई अपने आप में है इतराई भूल के आई अपना बचपन छन 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 गांव में, बाजी में बाजी आई बाजी गैया गांव में आई बाजी गैया आधा वर्ष पूछ उठाकर जब मुस्काई क्या पूछ अच्छा अब यहां दुम नहीं आ सकता पूछ उठाकर जब मुस्काई जैसे किसी ने बंसी बजाई धुली धुलाई सजी सजाई दुर में से दोबारा पहले वाला पूछ उठाकर जब मुस्काई जैसे किसी ने बंसी बजाई धुली धुलाई सजी सजाई जैसे दुल्हनिया घर में आई गोबर जिसका मेरा दर्पण छन छन छोबर गोबर गोबर जिसका मेरा दर्पण छम 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 दोबारा कहिए गोबर गोबर जिसके ओपले बनते हैं हाँ? गोबर जिसका मेरा दर्पण छन 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 गाँव में आई बाजी गैया गांव में आई बाजी गैया गैया को आपने बहन बनाया जी फिर उनके लिए लिखा जी पूछ उठाकर जी हाँ पूछ उठाकर जब मुस्काई जी जैसे किसी ने बंसी बजाई बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छी है एक थॉट है जी जी मगर गाय को आपने बहन बना लिया जी क्यों अगर बहन ना बनाता नहीं देखिए परेशानी के आलम में तो देखिए परेशानी मैं एक बात बताता हूँ आपको बात यह है बहन ना बनाता तो मुश्किल हो जाती बुराने बुजुर्ग और, और सियाने कहते हैं कि बुरे वक्त में इंसान गधे को भी बाप बना लेता है तो क्या ये उससे बेहतर नहीं है क्या आप गिया को बहन बना लें बजाय गधे को बाप बनाने के जी अच्छा अच्छा एक थॉट है इसमें आप भारत में खुश हैं भारत में बहुत खुश हूँ कोई चीज बुरी लगती है आपको भारत में कोई चीज बुरी लगती है भारत में कोई चीज मुझे बुरी लगती है क्या वाह वाह क्या अच्छा सवाल किया है आपने भारत में कोई चीज मुझे बुरी लगती है क्या है वो क्या है क्या हो सकती है मुझे नहीं पता आप भी तो एक पढ़े लिखे आदमी नहीं मुझे नहीं पता नहीं आप बताए भारत में सारी चीजें अच्छी ना, हैं। तो फिर जब भारत में सारी चीजें अच्छी हैं, वो फिर ये सवाल चे मानी भारत में क्या चीज आपको बुरी लगती है जी अब जब बात खोल के हो रही है तो अर्ज करता हूँ हींग मुझे बहुत बुरी लगती है क्या हींग खाई है कभी हींग बहुत बुरी लगती है वहां पर भारत में हींग के बगैर असम्बली का अजलास भी मुकम्मल नहीं होता मेरे एक पड़ोसी है क्रिश्चियन है मिस्टर पिंटो उनको किसी ने क्रिसमस के टाइम पर हींग का केक दे दिया एक टुकड़ा बेचारे खा गए और वो टुकड़ा खाने के बाद वो सिर्फ ओ जीसस ओ जीसस करते रहे मैंने वहीं पर पे, हींग पे नज्म कह दा लिया आपसे गुफ्तगु जारी है जी मुलाकात करते हैं किससे के बाद जी आप कुछ समझा नहीं मुलाकात करते हैं हींग के बाद ये गुफ्तगु में बीच में इस तरह का टुकड़ा चेमाने डाल नहीं बीच में इश्तहार आते हैं अच्छा इसके ये वक्फा देना पड़ता है बहुत शुक्रिया तो अगर आप कहें तो मैं आपको हींग पे एक वो सुना दूं जो मैंने मिस्टर पिंटो की वजह से मैंने लिखी थी पर लिखी है ताकत है तुम दिखलाओ जी ताकत है तुम दिखलाओ इज्जत है तुम बदलाओ इज्जत है तुम बदलाओ बतलाओं थोड़ देखिए आप ताकत है तुम दिखलाओ इज्जत है तुम बदलाओ मगर छुपा कर रखो मगर छुपा कर रखो हिंग अच्छी खासी साड़ी पहने बिंदिया लगाए कजरा डाले हाथ में कंगन पाँव में मेहंदी खाकर आई देख लाओ इज्जत है तुम बदलाओ दोबारा इश्छा अच्छी साड़ी के? अच्छी खासी साड़ी पहने बिंदिया लगाए कजरा डाले हाथ में कंगन पाँव में मेहंदी खाकर आई में अब ये ताकत है तुम दिखलाओ इज्जत है तुम बदलाओ मगर छुपा कर रखो ही अब ये सुन हासिल गजल है सुनने वाली चीज है नज्म है हाँ हासिल नज्म है कू फैल गई हिंग शनाशाही की ये आपका लिखा हुआ है जी कू फैल गई हिंग शनाशाही की उसने तड़के की ताहा मेरी पजीराई की उसने लड़के की तरह मेरी पजीराई की ताकत है तुम दिखलाओ इज्जत है तुम बतलाओ नगर छुपा के रखो ही हिंग आप इसी किस्म की शायरी करते हैं जी बिल्कुल तो क्या होता होगा मुशायरों में मुशायरा लूट लेता हूँ मुशायरा लूट लेता हूँ अभी मैंने कोई खुदा झूठ ना बोलवाए तो पिछले ही साल कोई साठ सत्तर मुशायरे लूटे मैंने मुझे बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि चोरों और डाकुओं का काम है कुछ लूटना शायरों का नहीं आपको समझ में नहीं आई लूटने का वो मतलब नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं मशायरे में हिट होने को कहते हैं मैंने आपकी शायरी पढ़ी है पढ़ी है आपने मुझे पसंद नहीं आई क्यों नहीं आई वो किताब में मैंने आपकी तीन चार नर्जी पढ़ी फिर मैंने वो बंद कर तुमने तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्ती पर मेरी नजम पढ़ी नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़ी, पढ़ी नहीं।, ना? नहीं तो फिर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं माफ़ी तो मैं नहीं मांगता क्योंकि नहीं। ये मेरा अपना बताया मैंने कि जो मैंने सोचा आपकी शायरी की नहीं, नहीं आपने सो, सोचा कैसे नहीं आपको बुलाया किसने पाकिस्तान आप ये छोड़िए किसने बुलाया लेकिन ये आपने मेरा कलाम पूरा हिंदुस्तान में एक पटा मची हुई है मेरे नाम की और आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ी नहीं ये तो आप बहुत ही बावक आदमी हैं मैं जो कुछ भी हूँ मेरी मर्जी मुझे थोड़ी बहुत शायरी समझ में आती है पाकिस्तान जो आप आए हैं आपको किसी ने बुलाया है किसी क्लब ने बुलाया किसी लोगों ने बुलाया छोड़िए ना आप इस बात को किस किसी ने हो सकता है मुझे जिमखाना वालों ने बुलाया हो और सही बात है कि मुझे जिमखाना वालों ने बुलाया कराची क्लब वालों ने बुलाया है नेशनल स्टेडियम में भी एक मशारा था जो कैंसिल हो गया और आप कह रहे हैं कि आपने मेरा कलाम नहीं पढ़ा शलम की बात है देखिये मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ नहीं आप लग रहा है आप खिलाफ हैं मेरे नहीं नहीं देखिए हिंदुस्तान में शायरी हुई है और अच्छी शायरी हुई है जी और जो नाम आते हैं मिसाल के के तौर पे शायरों के नाम जी मजदूर सुल्तानपुरी बिल्कुल अख्तर जानसार अख्तर कैफी आजमी अली सरदार जाफरी माफ कीजिएगा अली सरदार जाफरी कोई बात नहीं और फिर उनसे पहले मजाज अच्छा, अब अब, आ, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ क्या ये सब जिंदा हैं इससे कुछ नहीं होता है जिंदा है या नहीं नहीं शायर को जिंदा होना चाहिए जैसे मैं हूँ यह साध शायर मर गए मैं ज़िंदा हूँ शायर को जिंदा होना चाहिए आप सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर कौन है गोपाल राव की वजह से जिंदा है गोपाल वर्मा गोपाल वर्मा की वजह से आपकी याददाश्त भी खराब होगी मुझे क्या पता किसकी वजह से जिंदा गोपाल है वर्मा गोपाल वर्मा की वजह से नहीं भाई मैं बस छोड़िए आप बस मैं जिंदा हूँ लखनऊ के एक मुशायरे में मुझे ताज पहनाया गया कैसा ताज 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 होता है क्यों पहनाया गया बस मेरी अदबी खिदमात पर पहनाया गया मुझे ताज पहनाया गया मगर किस चीज़ का ताज था वो ताज लोहे का था इसलिए कि उस जमाने में हिंदुस्तान में, में मेरी शायरी का लोहा माना जाता था तो लोहे का ताज पहना दिया लोहे का ताज बहुत भारी होगा बड़ा शेर का था हाँ बारह शेर का था और मेरे सर के साइज से थोड़ा सा बड़ा बना दिया था उन्होंने तो क्या हुआ कि जब वो पहनाया तो गर्दन पे जाकर टिका पंद्रह मिनट तो मैंने बर्दाश्त किया मतलब मुंह बंद आपका बिल्कुल मुंह के आगे लोहा आ गया पंद्रह मिनट मैंने गर्दन पे बर्दाश्त किया और पंद्रह मिनट बाद मुझे एक आवाज आई अपनी गर्दन से हड्डी टूटने की चट ये ताज वगैरह है ताज बोगस अब क्या होना ही गलत है ताज ताज होता है अब क्या हुआ कि मुंतजमीन ने चूंकि मेरे मुंह के आगे लोहा आया था तो ताज के अंदर ऐसे घुसेड़ के माइक्रोफोन को मुंह के आगे किया और मैंने वहाँ पर जो नज़म पढ़ी है ओ हो हो वो समा भूलता नहीं है मुझे मशायरा उधर पड़ा लाइन आर्डर सिचुएशन हो गई और एक अजीब एक अजीब कैफियत थी बड़ी वाह वाह हुई वो आपको मैं उसके चंद मिसरे अगर आप बुरा ना माने तो सुनाता सुनिए सुनिए नहीं आपको सुनना पड़ेगा मैं कह रहा हूं मैंने सुना मैंने मुशारा हजारों लोग बैठे हुए थे मशारा पलट दिया मैंने लूट लिया जिसको आप कह रहे हैं चोर डाकुओं का काम है मशा लूटना इसको कहते हैं अब मैंने किस पे मशा लूटा वो सुनिए आओ पड़ोसन खेले होली सुनिए गाजा साहब जी तवज्जो तो हूं आओ पड़ोसन खेले होली जी आओ पड़ोसन खेलो होली मैं तुम तंदोलकर और गंगोली क्या आओ पड़ोसन खेलें होली मैं तुम तंदोलकर और गंगोली आओ पड़ोसन खेलें होली मैं भी बोलूं अपनी बोली तुम भी बोलो अपनी बोली आओ पड़ोसन खेले होली मेरा दामन तेरी चोली हाय तंदोलकर हाय गंगो आओ पड़ोसन खेल और आपने मेरा कलाम ना पढ़ा कैसी अजीब बात है बातचीत होती रहेगी आपसे मिलते हैं गैया के बाद ये आप इस तरह की शायरी करके सड़क पे बाहर अकेले चले जाते बेखौफ बहुत यानी आपको मैं एक चीज़ और सुनाता हूँ जो एक मशाया और मैंने लूटा अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल नहीं मैं आपसे नहीं, सुनूंगा। आपको सुनना मैं नहीं सुनूंगा आप उम्र में बड़े हैं या मेरे बराबर हैं तकरीबन अगर तकरीबन भी मेरे बराबर हैं तो मुझे इतना हक हाँ है की ये प्रोग्राम मेरा है देखिए आपका प्रोग्राम है मैं आपसे कोई शायरी सुनना नहीं चाहता सुनिए ये चल रहा है इंडिया में भी देखा था। जी इंडिया में देखा जा रहा है प्रोग्राम ये इंडिया के अलावा देखिए पचास दूसरे में भी जा रहा है मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैंने कभी जिंदगी में यकीन कीजिए किसी को प्लीज नहीं कहा मेरा मतलब है टार्जन में इतनी हिम्मत नहीं जितनी आप में है कि आप पाकिस्तान भी आते हैं फिर अपनी शायरी भी सुनाते हैं रीजन है उसकी क्या रीजन है इसका नहीं रीजन रीजन ये है कि कैसे हिंदुस्तान में मुझे दो चार चीज सुना दे बाद में बेशक काट दीजिए मैं आ, मैं अब आपसे नहीं सुनूंगा सुनिए सुन देखिए आप उधर मुकर के सुनाइए मेरी तरफ नहीं, नहीं। दे, देखिए आप उधर मुकर के सुनाए देखिए इतनी तजलील तो हमारी हिंदुस्तान में भी नहीं हुई सुनिए आप कुछ सुन कुछ सुन लीजिए एक दो सुना मगर एक ये मुसलमान मुल्क है जी आप भारत से मुसलमान शायर तशरीफ लाए जी जी तो कम से कम मुसलमानों के ख्याल रखिए कि आप क्या शायरी सुना रहे हैं मैं शायरी जो सुना रहा हूँ उसमें गहराई है गैया को आपने बहन बनाया फिर आपने लिखा गैया आई पूछ उठाए बिल्कुल तो ये क्या है नहीं ये शायरी है उसका गोबर मेरा दर्पण उसका गोबर इसका मतलब छन 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 नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप आओ पड़ोसन खेले होली मैं तुम टंडोलकर और गंगोली ये क्या शायरी है नहीं देखिए ना यही तो चीज है आप लोगों को अपने अपने माशरे का कल्चर जो है वो उस तरह से शायरी होती है हमारे यहाँ इन चीजों को बहुत बसी पसंद किया जाता है आओ पड़ोसों खेलें होली अब इसमें प्यार है अरे किस लानत भेजिए इस प्यार पे मेहंदी लगाए कजरा सजाए आई खाकर दाल में ही, ही।, ही ये क्या शायरी है नहीं ये देखिए इस पे मुशायरे उलट जाते हैं मुशायरे लूट लिए जाते हैं अब इसमें प्यार है आओ पड़ोसन खेलें हो आप इस तरह की शायरी पाकिस्तानी मुशायरे में सुनाइए मुशायरा तो लूटा नहीं जाएगा आप उलट उल्टे पड़े होंगे आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर भी हमने कई जगहों पे मशारे में इसी तरह की चीज़ सुनाई बहुत लुत्फानदोज होती हैं यहां बहुत बाजौक लोग रहते हैं कुछ सुन लीजिए मैं नहीं सुनूंगा आपसे कुछ सुन लीजिए देखिए आप, 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 आप मेरी फरमाइश सुनाएंगे सुनाइए फरमाइए फरमाइए किताब दीजिए कहे कहे कह, कि आप मुझे दीजिए किताब आप पढ़ेंगे आप मुझे आप मुझे सुनाइए चले ये छोड़ें आप मुझे कोई हिंदुस्तानी फिल्मी गाना सुनाइए जी हिंदुस्तानी फिल्मी गाना सुनाइए कोई। फिल्मी गाना सुनाए हम जी अच्छा, कौन सा चाहे कोई मुझे जंगली कहे कुछ और सुन लीजिए कुछ समझा करें कोई और चीज सुन मैं कुछ सुनना नहीं।, नहीं चाहता आप मुझे गाना सुनाएंगे और यही गाना सुनाएंगे चाहे, ये प्रोग्राम चाहे कोई मुझे जंगली बिल्कुल यही गाना सुनाइए इसमें से कुछ सुना नहीं प्लीज नहीं चाहे लता के गाने। मैं लता लता के कुछ नहीं सुनूंगा लता जी को मैं सुनता हूँ और वो गाने बहुत अच्छे हैं जो गाती हैं मगर मुझे आप यही गाना ये यह लता ने भी गाया है चाहे कोई जंग जी जी तो फिर मैं भी आपकी कलेक्शन करूँगा करिए यह गाना लता जी ने गाया ही नहीं है यह गाना सिर्फ मोहम्मद रफी साहब ने महूम ने गाया है मुझे वो ही सुनाइए मुझे इतना नहीं पता फिल्मी गानों का

चाहे किताब का नाम रखा है आपने गैया हाँ जी बिल्कुल गैया गैया दिल्ली गैया जी सुनाइए कोई मुझे एक और गीत है बहुत अच्छा है मदन मोहन की म्यूजिक में था मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे ये गीत सुनना है शंकर जय किशन की म्यूजिक में चाहे जंगली का चाहे कोई मुझे जंगली

आपके आंखों में आंसू क्यों आए नहीं ऐसी कुछ नहीं ये खुशी के आंसू हैं क्या आप सुन रहे हैं कुछ चाहे कोई मुझे जंग भी कहे देखा आपने कि शायरी जब तकलीफ जो दूसरों को कैसी तकलीफ होती है कहने दो नहीं आप इसी को पढ़ें मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चाहे कोई तुझे जंग दी कहे तुझे नहीं, नहीं नहीं मुझे सर मुझे चाहे मुझे कोई जरूरी चाहे कोई इसमें भी वजन भूल गए आप चाहे मुझे चाहे मुझे कोई जंगली कहे क्या बात है क्या शायरी है एक मरतबा <Oreo> चाहे मुझे कोई जंगली कहे वाह कहने दो जी कहता रहे क्या बात है चाहे कोई मुझे कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें याहू ज़ोर से कहिए याहू नहीं जोर से कहिए गो, गोपाल वर्मा मार देगा जाम से याहू नहीं आप मर जाए कुछ करें पहले आप जो इसका एंड जुगाने का है जो टिप का बंद है वो आप जोर से कहें जिस फोर्स में रफी रफीस जी जी बिल्कुल सही है उसके लिए कुछ जुमला तैयारियां करनी पड़ेंगी जी याहू नहीं बिल्कुल नहीं आप मुझे ओरिजिनल वॉइस में उसी जोर से सुनाएंगे याहू कैसा इंटीरियर का फोन नंबर है आपके पास हमारे शायर भी दूसरे जाते आप नहीं जाएंगे तो, इंडिया तो नहीं जाएंगे लिख दीजिए गोपाल वर्मा छोड़ेगा नहीं आप चलिए खत्म कीजिए अख्तराम कीजिए चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो तो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें या हो इजाजत दीजिए या हो हाफिज़